Hello everyone, this is Harpreet, your teacher. Today you will be understanding a short story by Sister Nivedita. The name of the short story is The Judgment Seat of Vikramaditya. The Judgment Seat of Vikramaditya. Let's start by reading about the writer first. Sister Nivedita, this is a woman you can see on your screen. Sister Nivedita, Nivedita is a name that we find, an Indian name. But this woman was not an Indian. She was from Ireland. And her original name was Margaret Elizabeth Noble. She was an Irish teacher, author, social activist, school founder, and disciple of Swami Vivekananda. Ye ek shikshak, ek teacher, ek author, aur ek activist, aur ek school founder, aur ek Swami Vivekanand ki ye disciple thi. Usne apna janam, apna bachpan, अपना यूथ आयरलैंड में ही बिताया और उसके पिता एक कॉलेज प्रोफेसर थे और जिससे उसने मानवता की सेवा करने के बारे में सीखा और परमात्मा के लिए एक सच्ची श्रद्धा मानवता की सेवा करना है ये उसने अपने पिता से सीखा था। वो उसने एक स्कूल टीचर के रूप में काम किया और बाद में उसने एक स्कूल खोल दिया। सिस्टर निवेदिता मेट स्वामी विवेकानंदा इन 1895 इन लंदन। सिस्टर निवेदिता ने 1895 में स्वामी विवेकानंद को वो लंदन में मिली थी और उसने उसके बाद वो कलकत्ता आ गई 1898 में और स्वामी विवेकानंद ने ही उसको निवेदिता नाम दिया था। निवेदिता शब्द का मतलब होता है डेडिकेटेड टू गॉड और वहीं से निवेदिता ने मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल ने ब्रह्मचर्य को चुना था। और जब कलकत्ता में प्लेग महामारी फैल गई तब निवेदिता ने नर्स का काम किया, उसने पूर पेशेंट्स को बचाया और उसने रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया क्योंकि उसकी पार्टिसिपेशन एक्टिव थी और वो राष्ट्रवाद के लिए भी काम कर रही थी। जिस जहाँ से वो आई थी वो इंग्लैंड से नहीं थी, वो आयरलैंड से थी जहाँ पर आयरलैंड खुद एक देश ऐसा था जिसको इंग्लैंड ने डोमिनेट किया हुआ था अपने अंडर। तो इसी भावना के साथ उसने राष्ट्रवाद की भावना उसके अंदर थी तो उसने बाकी अपना जीवन सारा भारत के लिए समर्पित कर दिया और दार्जिलिंग में उसको दफनाया गया। तो और उसकी जो कवर के ऊपर जो लिखा हुआ वो आपको मिलेगा अगर आप दार्जिलिंग जाओगे, वहाँ पर लिखा हुआ है हियर लाइज सिस्टर निवेदिता हु गेव हर All to India। चलो अब हम जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है उसकी समरी के बारे में जानें। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य ये हमारी शॉर्ट स्टोरी है। इसको समझने में हमें कुछ समय लगेगा तो हम लाइन टू लाइन इसको समझने की कोशिश करेंगे। विक्रमादित्य के बारे में हम भलीभांति जानते हैं, वो एक राजा था और वो उसका हमारे देश के इतिहास में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक बात उसके लिए जो पक्की है, निश्चित है, वो ये है कि वह राजा विक्रमादित्य न्याय को और लर्निंग को और ज्ञान से वो प्यार करता था और न्याय से वो प्यार करता था। उसने अपने लोगों को पूर्ण न्याय दिया और उसने लोगों को इकट्ठा करके समझाया और उनको पढ़े लिखे इंसानों को
अपने दरबार में जगह दी। ये कहा जाता है कि वो इतिहास का सबसे बड़ा एक न्यायाधीश था। विक्रमादित्य एक ऐसा राजा था जिसको कभी भी डिसीव नहीं किया जा सकता था, कभी भी उसके साथ धोखा नहीं हो सकता था। ना केवल उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी गलत इंसान को सज़ा नहीं दी, जो दोषी था उसी को सज़ा दी, जो गिल्टी थे, जो जिन्होंने गलत काम किया था वो कांपते थे, क्योंकि उनको पता था कि राजा ने, विक्रमादित्य ने उनको उनकी मिस्टेक्स को, उनकी गलतियों को, उसके क्राइम्स को पहली बार में पहचान लेना है। तो वो लोग उसके साथ आते थे, वो लोग जो कि उनके पास समस्याएं थी उनके पास वो आते थे। और इंडिया में जब कभी भी किसी अच्छे जज के बारे में बात की जाती है तो उसके बारे में यही कहा जाता है, जो कोई अच्छी न्याय करता है तो उसके बारे में यही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आह, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये न्यायाधीश पक्का ही विक्रमादित्य की सीट के ऊपर बैठ के इसने जजमेंट सुनाई होगी। क्या किसी ने विक्रमादित्य की जजमेंट सीट को देखा है? शायद नहीं, क्योंकि ये जो सीट है ये अब कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। और यही तो हमारे शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। यही कहानी है, इसी को हम जानेंगे। विक्रमादित्य की मौत के बाद जो उज्जैन के लोग थे, उसके राज्य के लोग थे, वो उन्होंने इस पुराने राजा को भुला दिया। उसका पैलेस, उसका किला तबाह हो गया और वो खंडर हो गया। और उस खंडर के ऊपर घास फूस इवन वृक्ष आ गए और वहाँ पर लोग, गरीब लोग वहाँ पर अपनी भैंसें, गायें बकरियाँ चराते थे। जो लोग वहाँ पर अपनी गायें लेके जाते थे और सुबह सुबह जल अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पर जो पशु थे वो अपने शेफर्ड बॉयज वहाँ पर आते, चरागाह बच्चे वहाँ पर आते और वो शाम तक अपनी भेड़े बकरियों को चराते। और ये वो समय था जब एक चरागाह बच्चा, शेफर्ड बच्चा एक पेस्चर के ऊपर, एक ग्रीन माउंड के ऊपर बैठा और उसने सभी कैटल्स और सभी जो गवाले थे वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए और वो सभी एक तरह का एक राज, जैसे एक दरबार लग रहा होता है वैसे एक दरबार वहाँ पर लग गया। अचानक से बच्चा उस ढेर के ऊपर बैठ गया था। Such was the life of a shepherd boys in the village of Ujjain. They used to spend long days in the pastures. They had plenty of time. इस तरह से वहाँ पर वो बच्चे खेलते। एक दिन वो प्लेग्राउंड, उन्होंने एक उनको खेल का मैदान मिला, बहुत प्यारा मैदान था वो। वह मैदान के नीचे वृक्ष थे, बड़ा रफ और ऊंचा ऊंचा नीचा वो एक मैदान था। और यहाँ वहाँ एक बड़ा पत्थर उस मैदान से बाहर निकलता नजर आ रहा था। वो एक हरे रंग का बड़ा मिट्टी का ढेर था और ऐसे लगता था कि वो जो ढेर है वो एक न्यायाधीश, एक राजा की सीट है। आखिर वो जो बच्चे थे उन्होंने सोचा और उन्होंने वहाँ पर खेलना शुरू किया और उनमें से एक बच्चे उस सीट के ऊपर बैठ गया और उसने कहा, बच्चों मैं कहता हूँ, आई विल बी द जज,
and you can bring all your cases before me and we will have trials. वो चिल्लाया, उसने कहा आज से मैं न्यायाधीश हूँ, तुम मेरे पास केस लेके आओ और मैं सभी पेशियों को देखूँगा। और उसने अपना अपना धड़ अपना चेहरा ऊंचा किया और बड़ा ही गंभीर होके अपने जज का जो उसका पार्ट था, उसका जो रोल था, वो अदा करना उसने शुरू कर दिया। बाकी जो लोग बच्चे थे वह उन्होंने फन में मज़े में तुरंत उसकी तरफ देखा और वो फुसफुसाने लगे और उन्होंने उनकी जो कोई लड़ाई हुई थी वो लड़ाई का जो केस था वो उस बच्चे के सामने लेके आए जो उस ढेर के ऊपर बैठा था। हर एक ग्रुप ने अपना केस बयान किया और कोई कह रहा था कि ये खेत किसी का है, मतलब एक जमीन जायदाद के संबंधित एक केस था। वो सभी चाहते थे कि इस डिस्प्यूट को सेटल किया जाए, पर अचानक से एक अजीब सी चीज वहाँ पर महसूस की गई। जो बच्चा वहाँ पर बैठा था उस ढेर के ऊपर वो बहुत ही अजीब, बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। वो बड़ा सीरियस हो चुका था, उसकी आवाज़, उसकी जो ढंग था वो भी बड़ा हैरान कर देने वाला था। और बाकी के बच्चे उस बच्चे को देख के थोड़ा डर रहे थे और अभी भी वो इसको एक मजाक, एक इंजॉयमेंट, एक एंटरटेनमेंट समझ रहे थे। एक बार फिर उन्होंने एक फ्रेश केस उसके सामने लेके आए और घंटों घंटों जजमेंट सीट के ऊपर, उस ढेर के ऊपर बैठ के लोगों की कंप्लेंट सुनता रहा और बड़ी ही गंभीरता के साथ सभी का वो जवाब देता रहा। उसके बाद वो जो गवाला था, वो बच्चा था, वो पूरा फेमस हो गया और लोग उसके पास अपने केसेस, अपने मुद्दे, अपने इश्यूज लेके आने उसके पास शुरू कर दिए उन्होंने। और वही हुई, वो अपने सही निर्णय करता रहा और अपनी नॉलेज और अपने न्याय की जो भावना के साथ उसने अपने सच का साथ दिया और वो सही निर्णय करता रहा और लोगों के मसलों को सुलझाता रहा। ग्रेजुअली, स्लोली, होले होले ये खबर वहाँ के लोगों में आम हो गई और बूढ़े लोग भी वहाँ पर अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए उस बच्चे के पास आने लगे। अब का जो राजा था, अब का राजा जो अब उज्जैन को राज कर रहा था, उसने इस कहानी के बारे में सुना और उसने कहा कि ये जो बच्चा है ये पक्के तौर पर, ये डेफिनेटली ये विक्रमादित्य की सीट के ऊपर बैठ के अपने निर्णय ले रहा है, अपने न्याय दे रहा है, ये फैसले कर रहा है। जो राजे का राज्य, इस राजे का जो गेस्ट था, इस राजे का जो जो अंदाज़ा था वो सही था और वो खंडर ही थे जहाँ पर बैठा, जहाँ पर वो बच्चा बैठता था, वो खंडर ही थे जहाँ पर विक्रम आदित्य का सिंहासन, उसका महल हुआ करता था। If just sitting on the mound brings wisdom and justice to the shepherd boy, let us dig deep and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well, and I shall always be just king. उस राजे ने कहा कि ऐसे करते हैं कि वो जो ढेर के नीचे जो जजमेंट सीट दबी हुई है उसको हम अपने अपने किले में ले आते हैं और उस जब वो सिंहासन पर अपने सिंहासन को लगाएगा तब वहाँ पर वो बैठ के एक जस्ट, एक न्यायपूर्ण राजा जरूर बन पाएगा, क्योंकि जब भी वो उसके ऊपर बैठ के फैसले देगा वो सही फैसले देगा और उस टाइम विक्रमादित्य की रूह उसके अंदर आ जाएगी जब कभी वो फैसले देगा और इस तरह से वो एक न्याय पूर्ण न्याय करने वाला राजा बन जाएगा। इस ढंग से वहाँ से उस ग्रास को, उसको निकाला गया, वहाँ से उस जजमेंट सीट को निकाला गया
और बच्चा जो था वो जो जज बना हुआ था कभी, वो बहुत रोने लगा, और क्योंकि उसके लिए वो जो ढेर था, वो जजमेंट सीट थी, बहुत ही प्यारी हो चुकी थी। और लास्ट में जो लेबरर्स थे वो वहाँ पर आने शुरू, उन्होंने उसको अनकवर किया और वहाँ पर एक काले रंग का पत्थर उनको स्लैब नज़र आया, और उस स्लैब को 25 स्टोन एंजल फरिश्तों ने अपने पंखों पर उठाया हुआ था। और ये वाकई ही इन फरिश्तों की निगरानी में ये जजमेंट सीट थी विक्रमादित्य की, और पूरी खुशी के साथ इसको शहर में और इसको लेके आया गया। जब राजा ने द किंग ऑर्डर हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस दैट ऑन द 4th day ही विल असेंड द थ्रोन पब्लिकली, उसने कहा, फरिश्तों के कहने से उसने कहा, अपने लोगों को कहा कि तुमने आपने सभी ने 3 दिन पूजा करनी है, व्रत रखना है, फास्ट करना है, और उसके बाद वो इस सिंहासन के ऊपर लोगों के बीच चढ़ेगा और वहाँ पर बैठ के न्याय देगा। आखिर में जब वो सवेर हुई तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए राजा को देखने के लिए, उस सीट के ऊपर बैठे, और लंबे हॉल में उसको उस सीट को लगाया गया था। वहाँ पर जजेस आए, वहाँ पर प्रीस्ट आए, और राजा वहाँ पर आया और वहाँ पर 2 rows बना के वहाँ पर बैठे, और राजा सामने बैठा और पूरे रेवरेंस के साथ उस मार्बल स्लैब के ऊपर। जब राजा सीट के ऊपर बैठने लगा था तो उन 25 फरिश्तों में से जो कि वो बोलने लगे, स्टॉप, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? हैव यू एवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन? For a while the king could not think of an answer. एक फरिश्ते ने कहा, क्या तुम वाकई ही विक्रमादित्य की सीट के ऊपर बैठने के काबिल हो? क्या तुमने अपने लोगों को उनके साथ अच्छा राज्य उनको दिया, उनको अच्छी व्यवस्था दी? राजा जानता था कि वो उसकी जिंदगी सही नहीं रही है, और एक लंबी चुप्पी के बाद उसने ना में जवाब दिया, कहता, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो एक एंजल ने कहा, गो देन फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, जाओ व्रत रखो, प्रे करो 3 दिन के लिए, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी ऑन टू सिट ऑन द थ्रोन। जाओ व्रत रखो, प्रार्थनाएं करो, परमात्मा को याद करो, और लगातार 3 दिन प्रायश्चित करो, और ताकि तुम्हारी आत्मा साफ हो सके, इस सीट के ऊपर बैठने के काबिल हो सके। इन शब्दों को कहने के बाद जो फरिश्ते थे उस सीट से ऊपर उड़ के दूर चले गए। राजा ने अपने आप को फिर से तैयार किया, उसने प्रेयर की, उसने फास्टिंग की, और वो विक्रमादित्य की सीट के ऊपर एक बार फिर से बैठने लगा। इस बार फिर वही हुआ, और एक जो स्टोन एंजल था उसने फिर पूछा कि इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पजेस द रिचेज ऑफ अदर्स, किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्थी टू सिट ऑन जजमेंट सीट। इस बार फरिश्ते ने पूछा, एक फरिश्ता फिर आ गया और उसने पूछा, क्या मुझे बता, क्या तुमने दूसरे लोगों के पैसे को पजेस करने की इच्छा नहीं की? क्या तुमने दूसरे लोगों को पैसा कब्जा करने की जरूरत नहीं की? राजा ने कहा, नहीं। राजा ने कहा, हाँ, वो अभी भी इस जजमेंट सीट के ऊपर बैठने के काबिल नहीं हुआ। इस तरह से जब राजा इस सिंहासन पर बैठने लगता, तभी एक फरिश्ता आ जाता और उसको पीछे हटना पड़ता। ये काफ़ी लंबे लंबे समय के लिए ऐसा चलता रहा, और एक जो लास्ट एंजल था, जिसमें जो एंजल था, वो मार्बल स्लैब को सपोर्ट कर रहा था। राजा सिंहासन के साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आया, और वो श्योर था कि अब शायद उसको इजाज़त मिले इस सिंहासन के ऊपर बैठने की। बट एज ही केम नियर द सीट, लास्ट एंजल
पर फिर बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, सो यू आर इंडीड वर्थी टू सिट ऑन हिज सीट। उसने राजा उसने कहा, लास्ट एंजल ने कहा, क्या तुम्हारा दिल भी उस बच्चे की तरह मासूम हो चुका है, क्या वैसा प्योर हो चुका है जो बच्चा उसके ऊपर बैठ के ढेर के ऊपर बैठ के अपनी जजमेंट सुनाता था। अगर तुम्हारा दिल इतना साफ हो चुका है तो तुम वाकई में ही इस सीट के ऊपर बैठने की काबिल हो। राजा ने फिर से जोड़ा, नहीं अभी भी वर्दी नहीं है। इन शब्दों के साथ एंजल वहाँ से फरिश्ता वहाँ से आकाश में उड़ गया और बेरिंग द स्लैब ऑन हिज हेड, और वो उस स्लैब को अपने सिर के ऊपर उठा के वहाँ से ले गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। इस ढंग से विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट थी वो फरिश्ता ले गया था और वो इस तरह से धरती से पूरे पूर्ण ढंग से ये गायब हो गया। सो ये कहानी थी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की, और आगे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जिसको आपने आंसर करना है। ये प्रश्न, why do people who care for India love the ancient city of Ujjain? Second question is, to whom is King Vikramaditya compared? Third question is, what change came over the shepherd boy who sat on the judgment seat of Vikramaditya? Describe the judgment seat of Vikramaditya. What happened to the stone angels and the judgment seat? So these are the questions that you have to answer. So, dear student, this story we have done, and let us meet for the other time. For the time being, till then, take care, stay home, stay safe. Thank you so much.